सा मेन सिम्टम है या कौन सा डोमिनेंट एक्सेस है, क्या ऐसा वजह है, सिम्टम्स इतने कई बार होते हैं ना, कहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करें। आप उसको देखो विंड के भी दिख रहे हैं, ऐसे दिखते हैं ना पेशेंट, पेशेंट में हीट के भी दिखते हैं सिम्टम, हॉटनेस के भी दिखते हैं, कई बार ह्यूमिडिटी के भी दिखते हैं। कहाँ से जर्नी शुरू करूँ, ऐसा क्या करूँ कि मेरा प्रोटोकॉल बहुत फॉर्म निकल आए, एकदम जिसको बोलते हैं ना एकदम फॉर्म प्रोटोकॉल निकल आए। अंदाजा से हम करने लगते हैं, अभी किसी को कोई इन्फ्लामेशन है या फिर किसी को ह्यूमिडिटी का सिम्टम भी है, तो आप फिर क्या करेंगे, कई बार ह्यूमिडिटी पर ट्रीटमेंट करेंगे, फिर अगले दिन हीट के ऊपर, इन्फ्लेमेशन के ऊपर करेंगे, कई बार आप एक एक करके आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम, मोबाइल को साइलेंट करेंगे, मैं भी साइलेंट करूँगी, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम जिसमें आई विल सेंड द पिक्चर्स, आई विल सेंड द पिक्चर्स, भेजूंगी के लिए भेजूंगा, आपको बस विश्वास है? Yes. मैं भेजू तो प्लीज, आपको इतनी टेंशन होती है, आप सुनते नहीं हो, और इस बार इसके बाद मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा नहीं कराऊंगी, आई डोंट हैव टाइम, और ये आपने मिस किया तो आपकी बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। नाउ इसलिए हमको ऐसा प्रोटोकॉल चाहिए जो पूरे इसके कॉन्स्टिट्यूशन को बैलेंस कर दे। किसी को फीवर भी है, इन्फ्लेमेशन भी है, किसी को पस भी है, किसी को इमोशनल इशू भी है ना, किसी का फैट है, किसी का फ्लैश है, इतने सारे प्रॉब्लम्स एक पेशेंट में दिखते हैं, और हम एक एक करके, आज पेशेंट इतने सारे प्रॉब्लम्स आप अपने केस शीट्स में लिखते हैं। अब क्या होता है, पेशेंट आ जाया, जो उसकी मेन प्रॉब्लम आ जाए, आज उसका ट्रीटमेंट कर दोगे, कल दूसरी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करोगे, फिर इस तरह से आप जैसे एक तरह से जो पेशेंट ने बोला वो ट्रीटमेंट कर दिया, ऐसा नहीं। आपको फुल व्यू की पिक्चर देखनी है। इस पेशेंट को 5-6 किस्म के सिम्टम्स हैं, मैं 5-6 किस्म के सिम्टम्स के अंदर ऐसा प्रोटोकॉल बनाऊं कि एक, जैसे बोलते हैं हर बार मैं वो एक डायलॉग बोलती हूँ, अर्जुन का निशाना चिड़िया के एक आंख पर, सिक्स की का एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाओ जिससे कि क्या हो जाए, वो पूरे सिस्टम सॉल्व हो जाए। ट्रीटमेंट तो वही फोर नीडल्स का होगा, लेकिन वो फोर नीडल्स ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो सारे आसपास की जो एनर्जीज हैं, नेबर एनर्जी जो डिसहार्मनी है, जो दूसरे सिम्टम्स हैं, वो भी सॉल्व हो जाए। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन, किसी पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम बोलते हैं ना कई बार ये हीट एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ड्राइनेस एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ह्यूमिडिटी एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कैसे जाने, कैसे तय करें कि ये ह्यूमिडिटी का एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीज़ें अभी हमको समझनी है। नाउ इतना आपको पता है जो जो बहुत पहले से आप ये करते आए हैं, आप जब भी आप एनर्जीज को, अभी मैं ये सब अंदर की ज़िगज़ैग मत देखो, सिंपल देखो, बिकॉज इसमें बिगनर्स बैठे, मैं स्लो जाऊंगी, जिन्होंने ये लेक्चर सुना है, जिनको आता है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाऊंगी, ठीक है, इसलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगी जो पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। खुश वेरी सिंपल वे, इसलिए स्लो, और जो जिनको मालूम है, आप लोगों को मालूम, आप लोग बोर हो सकते हो, बट आई हैव टू गो वेरी वेरी स्लो। नाउ फर्स्ट स्टेप जो आपको पता है, कितनी एनर्जीज होती है, सिक्स एनर्जीज होती है, ओके। ये भी आपको पता है कि इसमें कितने एक्सेस, अंदर का ज़िगज़ैग मत देखो, इसमें कितने एक्सेस बनने की पॉसिबिलिटी है, वेन ह्यूमिडिटी, हीट ड्राइनेस, हॉटनेस कोल्डनेस, ये पॉसिबिलिटी है, तीन एक्सेस, थ्री एक्सेस की पॉसिबिलिटी है, और ये थ्री एक्सेस तो एक साइड में दोनों ये जो पोल्स हैं, दो एनर्जीज हैं, तो सिक्स एनर्जीज इसमें आपको थ्री एक्सेस में कवर हो जाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि एक्सेस बड़ा क्लियर होता है, जैसे कि पेशेंट कोई आता है, उसके विंड सिम्टम्स बड़े अच्छे से दिखते हैं, और आप फटाफट इसको डिसाइड कर देते हो कि विंड एक्सेस है और ह्यूमिडिटी कम है, अब हमारी जर्नी वो नहीं है। सबसे पहले हम इन एक्सेस के बारे में जानने से पहले हमारी बॉडी में ये एक्सेस कैसे दिखते हैं, एक्सटर्नल चक्रास आपको मालूम है कैसे होते हैं, एक्सटर्नल चक्रास, ये क्या हुआ, हॉटनेस कोल्डनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ने क्या एक्सेस बनाया,
आपका वर्टिकल एक्सेस बनाया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है फिर? हीट एंड ड्राइनेस। यहाँ आपने पाइप डाली तो कौन सा एक्सेस बना आपका? फ्रंटल। उसके बाद आपने यहाँ पाइप डाली और यहाँ निकल गया, ये कौन सा एक्सेस बना? सजाइल। वेरी गुड। सो लेफ्ट इज हीट, दिस इज ड्राइनेस, ये चक्र कौन सा हुआ? ह्यूमिडिटी, हॉटनेस, कोल्डनेस। ओके, नाउ इन तीन एक्सेस, ये जो तीन पाइपलाइंस हैं, इनको थोड़ा फील करो कि एक्सेस दिखते कैसे हैं, और मैं सिंपल वे में आपको बताऊंगी कि बॉडी में कैसे कैसे सिम्टम्स आपको सरफेस लेवल पर दिख सकते हैं। कैन यू टेल मी, जो जब अमिताभ बच्चन ग्रो हो रहा था उस टाइम, उस पीरियड में, अभी तो वो ओल्ड एज में आ गया, उनका कौन सा एक्सेस जब वो कॉलेज डेज में थे, क्या प्रिडिक्ट कर सकते थे कौन सा एक्सेस डोमिनेट होगा उस टाइम? वर्टिकल। लंबाई, हाथ लंबे, पैर लंबे, शरीर लंबा। आज की डेट में वर्टिकल एक्सेस डोमिनेंट हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन जिस समय वो प्रोग्रेस हो रहा, उनकी हाइट, वो पीरियड चल रहा था, ग्रोथ था, उस समय कौन सा एक्सेस था? वर्टिकल। मींस एक्सेस इंटरनल ऑर्गन, इमोशन सबसे होते हैं, बट मैं स्लोली स्लोली आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे बॉडी के स्ट्रक्चर में एक्सेस दिखते हैं। अब आपने सोसाइटी में कई बार ऐसे लोग देखे होंगे जो ऐसे बढ़ते जाते हैं, ब्रॉड बिल्ड, ब्रॉड बिल्ड है या नहीं? तो कौन सा एक्सेस डोमिनेंट है इसमें? फ्रंटल। और कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे वेट बढ़ रहा है, हिप बेली ग्रोइंग, हिप ग्रोइंग, फ्रंट एंड बैक ग्रोइंग, फ्रंट एंड बैक ग्रोइंग। सो कौन सा एक्सेस आपको दिख रहा है इसमें? सेजाइटल। मतलब बॉडी से आप अभी इंटरनल भी जाएंगे एक एक करके, बट एक्सटर्नल वे में फटाफट पहचान जाएंगे कि ये वर्टिकल एक्सेस का तासीर का एग्जाम है, तासीर वर्ड नहीं बोलेंगे। एक चीज मैं ये बताना चाहती हूँ, जब आपका पेशेंट आपके पास आता है, आपने जल्दी से लंबा आ गया, आप जल्दी से असाइन नहीं करेंगे कि वर्टिकल एक्सेस डोमिनेंट है, बिकॉज आज के डेट में वो उसकी एज, फॉर एग्जाम्पल मैंने अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल दिया, जरूरी नहीं है कि अभी उसको वर्टिकल एक्सेस डोमिनेंट हो, क्योंकि जिस समय वो बढ़ रहा था तब था, आज नहीं हो सकता। अब ये तो हुआ बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, अब एक एग्जाम्पल देती हूँ कैसे एक्सेस को पहचाना जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें से इजी इजी पहले, अगर कोई इंसान ये कहे कि मेरे को खड़ा होते ही मेरे को पेन शुरू हो जाता है, खड़े होते ही पेन शुरू हो जाता है, बैठते हैं तो अच्छा, फिर किसी ने कहा कि मैं जब लेटता हूँ तो मेरा पेन शुरू हो जाता है, क्या कौन सा एक्सेस हुआ? सिजाइटल। अब एक और चीज, हमारा एक और एक्सेस है मेटाफिजिकल एक्सेस, दैट इज हेवन एंड अर्थ वाला, वो क्या एक्सेस है? स्पिरिचुअल एक्सेस, जो हमेशा कैसा रहता है, ये वर्टिकल, ये वो वर्टिकल नहीं है जो हम वर्टिकल हॉटनेस एंड कोल्डनेस का पढ़ रहे हैं, ये वो वर्टिकल है जो हेवन एंड, जो इसको हम स्पिरिचुअल एक्सेस बोलते हैं, हमेशा स्पिरिचुअल एक्सेस ऐसे ही रहता है हमेशा। अब मैं खड़ी हूँ आपके सामने और ये स्पिरिचुअल एक्सेस हर सिचुएशन में ऐसे ही रहेगा। नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी विच माई, विच एक्सेस इज गेटिंग ब्लेसिंग। ये शब्द बोलूंगे, वर्टिकल एक्सेस इज गेटिंग ब्लेसिंग। व्हेन आई लाई डाउन देन विच एक्सेस इज गेटिंग ब्लेसिंग? साइड व्यू में फ्रंटल। फ्रंटल की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? दो। और ऐसे ही सोते समय भी क्या हो सकता है? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो ओवरलैपिंग, हमेशा स्पिरिचुअल एक्सेस का ओवरलैपिंग भी साथ साथ चलता है। जब हम खड़े होते हैं तो वर्टिकल को पावर मिलती है, लेटते हैं तो सजाइटल को पावर मिलती है, और जब हम साइड में साइड लेते हैं तो किसको पावर मिलती है? फ्रंटल। सो फ्रंटल इज न्यूट्रो और स्ट्रेट इज वर्टिकल इज हेट्रो और लाइन डाउन इज होमो। इतना समझ में आया? बिगिनर्स, छोटे छोटे बेबी बेबी स्टेप्स।
एक्सिस को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, डोमिनेंट एक्सिस, कोरनेस, वर्टिकल एक्सिस। अब आप क्या देख रहे हैं, सप्लीमेंट्री अभी हम सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, बट अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप कौन सा एक्सिस देख रहे हैं, उसमें किसको फोकस किया है, वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस का कॉन्स्टिट्यूशन है और ये किसका है आपका, विंड एंड ह्यूमिडिटी का, और ये आपका है हीट एंड ड्राइनेस। सो ये तो मैंने बॉडी पोस्चर से आपको बताया, इसी तरह से आप बॉडी डिजीजेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके एक्सिस बन जाते हैं। ये तो आपको पोस्चर, हर टाइम पोस्चर वाला पेशेंट नहीं आएगा, बॉडी के डिजीजेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगा। लेकिन अब ये जो जिगजैग दिख रहा है, आप एक चीज देखेंगे, मैं यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहती हूँ आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। एक्चुअली सिमेट्रिकल कॉन्स्टिट्यूशन, क्रॉस कॉन्स्टिट्यूशन, सिमेट्रिकल कॉन्स्टिट्यूशन आपको 3+3-, आप देख रहे हैं 3+3-, एक तरफ 3+ है, फिर 3- है। सो ये आपको नॉर्मल पेशेंट्स में दिखेगा, आपको ज्यादातर ये दिखेगा, लेकिन क्रॉस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको दिखता है कहीं पर, जैसे डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, जब एकदम अचानक बीमारी का अटैक होता है तो ये सब कुछ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो पीरियड में ये कॉन्स्टिट्यूशन दिख सकता है, लेकिन वापस रिकवरी के बाद फिर से ये क्या आ जाता है। और कई बार रेयर केसेस में भी आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन दिख सकता है। अब क्यों हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपके पास एक पेशेंट आता है, आप उसका लंग या विंड को टोनिफाई कर रहे हैं, आप उसका क्या कर रहे हो, विंड को टोनिफाई कर रहे हैं। सो आप विंड क्या क्या करते हो, विंड टोनिफाई, और क्या करेंगे आप, आपको क्या करेंगे, आपको ह्यूमिडिटी सेडेशन। अब अभी क्या है, अभी तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं था और अनजाने जाने उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। अभी हम सीखने के बाद हम पहचान जाएंगे कि ये क्यों चल रहा था, लेकिन एक जनरल बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये अंदर उसकी स्टोरी थी, लेकिन आप रोज कोई सिचुएशन में या कोई डायग्नोसिस के बाद आपने सोचा कि विंड इसकी बहुत ज्यादा, इसकी विंड जो है या तो एक्सेस है, और ह्यूमिडिटी क्या है, इसकी डेफिशिएंट है, तो आप उसका क्या कर रहे थे, विंड को क्या कर रहे थे, और ह्यूमिडिटी को आप टोनिफाई कर रहे थे। अब देखते हैं क्या होगा, क्या ये आपको टोनिफिकेशन सेडेशन पेशेंट में काम करेगा या नहीं करेगा। यू शुड सी, आपको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, क्यों काम नहीं करेगा। अब ये देखिए, कैन यू सी दिस पाथवे बिटवीन हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कैन यू सी दिस पाथवे बिटवीन हॉटनेस एंड कोल्डनेस, मतलब इसके बीच में ब्रिज है। अगर आप हॉटनेस टोनिफाई और कोल्डनेस सेडेशन करेंगे तो ये क्या वर्क करेगा, करेगा, क्योंकि इसके पीछे क्या है, रास्ता है। हीट और ड्राइनेस के ऊपर काम करेंगे तो क्या ये आपका ट्रीटमेंट रूम ले लेगा, व्हाई, बिकॉज इसके बीच में रास्ता है, और आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे इस पेशेंट में, विंड सेडेशन, ह्यूमिडिटी टोनिफाई, विंड सेडेशन, रोज कलर पेन से निकाला, कलर 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 कलर, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल है, लिखा ना, अभी सिस्टर इतना अच्छा पढ़ाई किया आपने, लिखा ना, और फाइनली उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, इसके बीच में रास्ता नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अभी देखिए, अभी अंदर ये लहरें हैं उसकी डिजीज की वजह से, ऐसा कुछ हो गया है हमारे बीच में, ये एक्सेस बड़े ब्यूटीफुल एक्सेस है, मेटाफिजिकल और बहुत हाई लेवल डायमंड सिस्टम के हिसाब से ये पूरी बॉडी को शेप दिया हुआ है। अगर एक भी एक्सेस मिस, और ये एक्सेस मिस क्यों होता है, आपके पोस्चर्स की वजह से, आपके खान पीन, ये एक्सेस की डिसहार्मनी, कब डिसहार्मनी होती है ये आपको भी पता है ना, पोस्चर्स, खाना पीना, सोचने का तरीका, इमोशंस लेवल, और भी कई तरीके आपको पता है, मैं क्या बोलूंगी, ठीक है। सो स्माइल मिसेस, लैक ऑफ स्माइल सबसे इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ स्माइल। सो इसके वजह से आपका कोई एक्सेस डिफॉर्म हो जाता है, डिफॉर्म मतलब उसमें रास्ता, ऑब्स्टेकल टूट जाता है, ब्रिज टूट जाता है, जिसके वजह से आप 60 के प्रोटोकॉल कितने भी सुंदर बना लो, रोज टोनिफाई, रोज सेडेट, रोज कलर, आपके जो केस शीट पर प्रोटोकॉल लिखा जाता है उसको रोज फॉलो करते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता।
अब आप ये देखिए, अब किसी इंसान के पेशेंट का ये अंदर बीमारी की ये लहरें चल रही है और उसका इस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा एक्सेस टूट गया है, कौन सा टूट गया है, हीट एंड ड्राइनेस। अब ऐसे पेशेंट को हीट, हम कितने सारे केसेस में हीट टोनिफाई करना बहुत पसंद करते हैं। हीट हमारी जॉयफुल एनर्जी है, पेट एनर्जी है, जितने भी क्रॉनिक केसेस है उसमें हम हीट को टोनिफाई बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पर तो ब्रिज टूटा हुआ है, कहाँ चल के जाएगा, ब्रिज ही नहीं है। सो आप समझ रहे, करना तो है, ये नहीं कह रही हूँ कि हीट को हमने सेडेट नहीं करना या हीट को हमने टोनिफाई नहीं करना, लेकिन कुछ और रास्ते चुनने पड़ेंगे। और अब इसमें कौन सा एक्सेस मिसिंग है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और ये बाद में समझेंगे। सो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तीन एक्सेस की डिफॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है। अब हमारा जो पर्पस है पढ़ने का, पेशेंट के डिजीज को डायग्नोसिस करने के बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उसका कौन सा एक्सेस डिफॉर्म हो गया, उसका कौन सा एक्सेस डिफॉर्म, क्या हमारा प्रोटोकॉल वो जो हम बना रहे हैं, रोज ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अरे उसका ब्रिज ही नहीं है तो फिर ये प्रोटोकॉल आपका काम नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पड़ाव, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेते हैं, ये आपको सबको दिख रहा है, ये वाला लेते हैं, अब किसी वजह से इस पेशेंट को मुझे हॉटनेस टोनिफाई करना था, आज पढ़ने के बाद क्या होने वाला है। अब इतना तो हमें समझ में आ जाएगा आज के सब्जेक्ट से कि हम इसको हम हॉटनेस एक्सेस है, हमने इसको सेडेट करना था, ये हमारा टारगेट था। कल तक हम क्या कर रहे थे, हॉटनेस सेडेशन कोल्डनेस टोनिफाई कल तक कर रहे थे, लेकिन अब ये जानने के बाद आज के बाद हम क्या करेंगे, हमारा अभी भी मिशन वही है, क्या है वो हमारा मिशन, हॉटनेस सेडेशन, बट कैसे, ब्रिज तो है नहीं, तो आप ये देखिए ये ब्रिजेस ये सब क्या है, ये सब आपके रास्ते हैं, पाथवे है। सो अब आप क्या कर सकते हो जिससे कि हॉटनेस उठ जाए, सेडेट हो जाए, क्या कर सकते हो, अब ब्रिज हॉटनेस सेडेशन, नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी, ब्रिज आपके पास इतना ब्यूटीफुल है, दिस इज सो ब्यूटीफुल कि आपको अपने आप आंसर दिख रहा है, ये क्या करोगे, इसके साथ क्या है, और क्या पॉसिबिलिटी है, हीट टोनिफाई, अपने आप हॉटनेस क्या हो जाएगी, जब सेडेट हो जाएगी। बहुत सिंपल है, अगर हीट को उठा दोगे, विंड को उठा दोगे, तो हॉटनेस को कम होना ही पड़ेगा उसको, इसीलिए हॉटनेस को कंट्रोल हमने, जैसे ना हॉटनेस एंड कोल्डनेस का एक्सेस है एकदम स्ट्रेट वॉर ना करके हमने ऐसा रास्ता ले लिया। कई बारी मेन रास्ता है, आपके मेन रास्ते में ट्रैफिक जाम होता है तो आप ढूंढते हो ना कि अगल बगल की गलियां मिल जाए, तो वही एक सेम स्टोरी है, आपको वही अगल बगल की गलियां ढूंढनी है और हॉटनेस आपकी कंट्रोल हो जाएगी। नाउ इसमें क्या है, जैसे कि आपने हॉटनेस को सेडेट किया, आपके फोर नीडल्स या फोर कलर्स लग सकते हैं, आपने हॉटनेस सेडेशन किया, फिर आपने हीट को टोनिफाई किया, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपके पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इट डिपेंड्स पेशेंट के सिम्टम्स को देख के, अगर उस पेशेंट के बॉडी में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन ज्यादा ड्राइनेस के सिम्टम है, तो ये ब्रिज भी काम कर सकता है, इट डिपेंड्स कि पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं। अच्छा, ये करने के बाद अब कितनी हमारी नीडल्स आएंगी, कितनी हमारी नीडल्स आएंगी, एक ये हो गया हॉटनेस सेडेशन, हाई पूछा आई फेलिंग, हॉटनेस सेडेशन आया, फिर उसके बाद क्या आया, और फिर क्या आया, आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। आप जब कंट्रोलिंग नीडल आप लगाओगे तो कहां पर करोगे वो आपको पता है, कंट्रोलिंग नीडल लगेगा। इतना ये छोटा सा है इशू, समझ में आया, अभी करेंगे ना बात, अभी तो स्टोरी पिक्चर शुरू ही है, अभी सब करेंगे, डोंट वरी, अभी तो मैं सिर्फ आपको पहले ट्रेलर दे रही कि कैसे हमारा, क्यों हमें, मेरा अभी मिशन क्या है बताने का कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत क्यों है,
और पढ़ने के बाद फिर हमें समझ में आता है कि अगर पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिज ही नहीं है तो हमको उसका दूसरा एक्सिस। नाउ अब सेकंड तरीका और देखने का, वन इज डोमिनेंट एक्सिस, सेकंड इज सप्लीमेंट्री एंड थर्ड इज मिसिंग एक्सिस। डोमिनेंट एक्सिस कौन सा हो गया? अभी फॉर एग्जांपल इसमें डोमिनेंट एक्सिस कौन सा हो गया? आपने यहाँ पर लिखा हुआ डोमिनेंट एक्सिस ऑलरेडी लिखा हुआ है, है ना? अभी हम सब प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी ये थीम दिया है डोमिनेंट एक्सिस हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और मिसिंग तो विंड एंड ह्यूमिडिटी है, तो हीट एंड ड्राइनेस क्या हो गया आपका? सप्लीमेंट्री एक्सिस हो गया, सपोर्टेड। अब जब ये गेम खेलते खेलते आपको ये भी समझ में आने लग जाएगा कि जो हम लेवल टू में पढ़ते हैं सब्जुगेशन लॉ, एंटी सब्जुगेशन लॉ, चाइल्ड, मदर, फादर, बॉस, सर्वेंट, उन्हीं वही आपको अपने आप बता देंगे कि बॉस के पास जाओ, सर्वेंट अनजाने में जाने में आप उसी को पूरी हार्मोनाइज कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए ऐसे ही निकल आएगा प्रोटोकॉल, आप हीट को, आपने ये पढ़ा था ना कि इफ यू वॉन्ट टू सेडेट हीट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू सेडेट हीट विद द हेल्प ऑफ एंटी क्रिएशन लॉ विच इज द एनर्जी, इफ यू वॉन्ट टू सेडेट हीट फाइंड, इफ यू वॉन्ट टू सेडेट हीट यूजिंग एंटी क्रिएशन लॉ हॉटनेस ठीक से बोलो of dryness
अभी सिर्फ हम पहले टेक्निकल चीजें सीखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हीट डेफिशिएंसी, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये एक्सेसिव हम कैसे बोल रहे हैं। जस्ट सिंपल थिंग, एक्सेसिव क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा जनरली क्या होता है, 3+ बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब छोटे छोटे बेबी स्टेप्स है जो मैं अभी जो ड्राइंग बना रही हूँ वो बताने के लिए कि एक्सेसिव किसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी डिजीज की बात नहीं करेंगे, अभी अपना कैलकुलेटर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमने ऊपर लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राइनेस एक्सेसिवनेस, सॉरी ड्राइनेस एक्सेसिवनेस, मैंने ये गलत बनाया पहले, इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, इसका हम नाम बताएंगे। अब एक चीज देखिए, 3+ के बीच में जो एनर्जी है उसके दाएं भी प्लस है और बाएं भी प्लस है, इसमें कौन बॉस बन गया, बीच वाला मिडल, ये क्या बन गया, बॉस बन गया। ये 3- वाला है, इसके बीच में क्या बन गया। अब एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम इस 3+ अगर आ गए हैं तो हम किसको एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, नाम इस कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बोलेंगे, ये क्या बन गया आपका, हीट क्या बन गया आपका, इसको हीट बोलेंगे। अब लेकिन हमारा केस ये है, इसका आप कैसे चार्ट बनाएंगे, सेंटर अगर मैंने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राइनेस एक्सेसिव, खाली इसको फोकस करिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राइनेस एक्सेसिवनेस, खाली सिर्फ इसको फोकस करिए। अब आपको ड्राइनेस का जब सर्कल बनाएंगे, अगर आप ड्राइनेस का सर्कल बनाएंगे, आपको ड्राइनेस कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कौन सी एनर्जी है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस। अब क्योंकि हमको ड्राइनेस एक्सेसिव वाला बनाना है तो इसके दाएं और बाएं क्या होंगे, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइनेस। सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड क्या था आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हीट डेफिशिएंसी, तो हीट डेफिशिएंसी टारगेट है, ये एक तरह से लीडर हो गया, सेंटर इज द लीडर, तो इसके दाएं और बाएं क्या होगा, अगर हीट माइनस है तो दाएं और बाएं क्या होगा, माइनस। तो ये आपका ऐसे आ गया। अब आप अपना पिक्चर जो आपने लिखा हुआ है ये देखिए, कैसे ये मतलब समझा, दिस वन। सो आप क्योंकि बिगनर्स हैं, एक एक करके सारे स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स लिखिए, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ लिखोगे ड्राइनेस एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन, मिडल लिया है, सेंटर लिया है, और ये माइनस सेंटर है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन गया, हीट डेफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कभी, अभी मैं आपको एक टास्क देती हूँ, ये आपने बनाया सिमेट्रिकल वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंजॉयफुल गेम, मैं आपको बोलती हूँ आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, ह्यूमिडिटी एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, सिंपल सिंपल बेबी स्टेप्स, ह्यूमिडिटी एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमिडिटी एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन, जिगजैग बाद में सीखेंगे, पहले ये बनाना सीखते हैं, ह्यूमिडिटी एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, सेडेट ही इन ड्राइनेस एक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन।